अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिस बेचारे का दिल तो टूटा ही टूटा था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। हो सकता है इस गाड़ी के साथ ही उसकी ऐसी यादें हों जिसकी वजह से उसका दिल टूटा हो, तो उसने गाड़ी को भी नहीं बख्शा। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। गाड़ी का कोई भी पैनल अगर आप देखते हैं तो साफ कंडीशन में है ही नहीं। बंपर्स, इसके पिछले फेंडर्स, डोर्स वगैरह बिल्कुल ही एक उजड़ी हुई हालत में नजर आ रहे हैं। तो भैया, गाड़ियां ही ऐसी चीज़ें जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं लोगों में। जैसी आपकी गाड़ी होगी वैसे ही लोगों को तसव्वुर पेश होगा आपका। गजब बेइज्जती है कि आप कैसे हैं, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। बहुत तेज हो रहे हैं। खैर, दे रहे दुरुस्त है। इस ओनर को भी अब ख्याल आ गया कि अपनी गाड़ी के ऊपर काम किया जाए। भाईजान, अब हार्ट क्रैकिंग से हट के अपनी गाड़ी क्रैकिंग की तरफ उन्होंने अब ध्यान दिया है कि अबे जल्दी बोल, गाड़ी का भी यार कुछ करना चाहिए। इस गाड़ी में काम तो बहुत होने वाला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यार बाहर का एक्सपेंस भी ज्यादा ना लगे, उसके बजट के अंदर रहते हुए ओवरऑल गाड़ी की जरा एक लुक जो है वो नीटनेस की तरफ लेके हैं। इसके जो जो पैनल्स चेंज होने वाले हैं, जैसे इसके अगले पिछले बंपर्स हैं, लाइट्स का इसका चेक करेंगे कि लाइट्स अगर साफ होकर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो लाइट्स फिर हमें चेंज करनी पड़ेंगी। उसके बाद इसके पैनल्स की सेटिंग्स वगैरह हैं, सारे पैनल्स लूज हैं, वो सारा कुछ सेट होगा। साइड पैनल्स इसके हमने उतारने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर लग रही हैं साइड पैनल्स। इसके जो अपने जेन्युइन है साइड पैनल्स, वो ही बहुत अच्छे लगते हैं इसको। साइड पैनल्स की हालत भी बहुत गंदी है और वैसे ओवरऑल बाय से पूरी बॉडी की बहुत गंदी हालत है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो शुरू करते हैं इस गाड़ी का काम और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे।